हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? यार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुष एंड आयुष एक्सपेरिमेंट में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो इस वीडियो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस, तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बनाने के दिखाने वाला हूँ एक टेबल लैंप जो मैंने गाइस कार्डबोर्ड से बनाया। ये घर के चीप कबाड़े में मिल जाते हैं गाइस, बहुत सस्ता जुगाड़ है गाइस। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे गाइस। जाने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया था गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और लाइक जरूर करना है चैनल को गाइस। तो चलिए और वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक चलते हैं। तो गाइस, टेबल लैंप बनाने के लिए आज मैं कार्डबोर्ड का यूज करूंगा गाइस। ऐसे ये इजली सबको घर में अवेलेबल हो जाता है गाइस, ये आप कहीं भी कोई भी शॉप से मिल सकता है, ये सस्ते पड़ते हैं गाइस, ये आपको कोई भी शॉप में फ्री में दे देता है। तो 5-10 रुपए लगते हैं तो आप उससे भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने कुछ पीस कट किया, मैं आपको वो पीस दिखाता हूँ, साइड में रखता हूँ। मैंने पहले ही कट कर लिया था गाइस आपका टाइम बचाने के लिए, मैं साइड में रखता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, ये मैंने 2 पीस कट किया, ये ऊपर के लिए कट किया गाइस। तो मैं इसके आपको रेडियस बता देता हूँ गाइस। तो ये 7 सेंटीमीटर है गाइस, इसका रेडियस ये 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल है गाइस। और ये गाइज ये 7.5 सेंटीमीटर का ये एक रेडियस है अप्रोक्स। तो आप गाइज ट्रेंगुलर भी बना सकते हैं, मैं सर्कुलर बना रहा हूँ लैम्प गाइज। तो चलिए इसको और देख सकते हैं गाइज, मैं ये साइड का बॉर्डर भी कट किया गाइज। तो इसका भी मैं आपको चौड़ाई बताता हूँ गाइज, ये 3 सेंटीमीटर है गाइज, ये 3 सेंटीमीटर है लंबाई गाइज। ये जितना इसके चारों बगल से लग जाएगा उस हिसाब से आप लंबाई, कोई अपना कोई फिक्स शेप नहीं है गाइज, अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। तो इसे इस तरह से गोल चारों बगल से चिपका रहेगा गाइज। इसके ऊपर का एक कोटिंग मैंने हटा दिया गाइज, इस तरह पेपर का लगा रहता है, ये आसानी से उखड़ जाता है गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते गाइज, ये जैसे इस तरह का पेपर रहता है गाइज, तो इसके ऊपर से इस तरह से आप इसे हटाएंगे तो ये आराम से हट जाता है गाइज। उसके बाद इसे इस तरह से मोड़ने में आसानी होता है, तो इस तरह से आप इसे हटा सकते हैं। तो सेम उसी तरह से गाइज मैंने इसे हटा के इसे पीछे साइड से मैंने कट मार दिया गाइज, जिससे कि ये अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, राउंड में शेप ले अच्छी तरह से। इसे हॉट ग्लू गन से इसे मैं चारों से चिपकाता हूँ गाइज, तो इसे चिपका के मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, ये मैंने चारों बगल से चिपका दिया हॉट ग्लू गन से। और देख सकते मैंने ऊपर का भी कवर को मैंने कट कर लिया गाइज यहाँ से सर्कल। और गाइस देख सकते हैं, ये मैंने इसका ऊपर का स्टैंड बनाया बॉल का, देख सकते हैं गाइस इसका कैसे मैंने बनाया वो भी मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो टाइम बचाने के लिए गाइस मैंने फटाफट वैसे बना दिया है। तो देख सकते हैं गाइस, ये इसी तरह कार्डबोर्ड का ही मैंने पीस लंबा वाला स्ट्रिप करके कट कर दिया गाइस। और इसकी जिस तरह से ये मैंने उखाड़ा था, सेम उसी तरह उखाड़ के साथ गोल राउंड करके इसमें चिपका दिया गाइस। सेम उसी तरह यहाँ पे भी चिपकाया गाइस, सेम उसी तरह यहाँ भी चिपकाया, इसे मैंने हॉट ग्लू गन से चिपका दिया गाइस, देख सकते हैं। और ये आगे वाला पीस मैंने कैसे बनाया गाइस, मैं आपको इसको पेपर में बना के दिखाता हूँ गाइस, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं साइड रखता हूँ, पेपर में आपको बना के दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस मैंने इसका जो ये आगे वाला बॉल लगाने के लिए मैंने बनाया था गाइस, ये आपका 7 सेंटीमीटर का गाइस था। तो आप जिस टाइप का आपको बनाना है गाइस उस टाइप से बना सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया गाइस, देख सकते हैं मैंने सर्कल ड्रॉ किया, जिसे मैं कट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये सर्कल कट कर लिया है, उसके बाद क्या करना है गाइस, देख सकते हैं जैसे ये सेंटर है गाइस, यहाँ सेंटर से आपको कोई भी एक जगह लकीर खींच लेना है गाइस, कोई भी दूसरे साइड गाइस आपको जिस टाइप जितना बड़ा इसका गाइस ये अंडर का वो होल रखना है गाइस, उस टाइप से करके इसे भी कट करके निकाल देना है पीस को इस। तो देख सकते हैं पीस निकाल दिया है, उसके बाद ये गाइस ये आसानी से इस तरह से ये मुड़ जाएगी, देख सकते हैं। और उसके बाद मुड़ने के बाद गाइस, मुड़ने से पहले ही यहाँ आपको जितना बड़ा इसमें बीच में होल करना है गाइस, उस तरह से आप यहाँ पे भी इस तरह से सर्कल कट कर सकते हैं बना के। जिस तरह से मान लीजिए बीच में गाइस आपको ये जितना इसके अंदर इसको घुसाना है गाइस, इस वाले पार्ट को, उस टाइप से आप इसका नाप करके कर सकते हैं गाइस। मैंने इसे कम से कम अंडर में गाइस ये होल 2.5 सेंटीमीटर का किया है गाइस, तो इसे भी मैं उतना जैसे आपको मैं करके बताता हूँ गाइस जिस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट किया, ये इस तरह से आसानी से इस तरह लग जाएगा। तो जब गाइस सेम इस तरह से बन गया है, तो इसी तरह से आप नमूना, ये तो गाइस मैं आपको एक नमूना बना दिखाया, तो आप चाहे देखिए गाइस मैंने पहले भी एक नमूना बनाया था गाइस इसे बनाने से पहले, देख सकते हैं गाइस ये सेम टू सेम उसी तरह से मैंने पहले से बना के चेक किया था गाइस। तो आपको इसी तरह बना के देखना है, तो गाइस देख सकते हैं सेम इसी तरह बनाना है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए गाइस कोई बल्ब वगैरह यूज नहीं करूंगा गाइस, ये बल्ब है गाइस वगैरह बोला मैंने जो, लेकिन ये जो गाइस आपके घर में जो बॉल लगे हुए रहते गाइस 10 वाट के बॉल का ये वही किट है गाइस, ये 10 रुपए में मुझे मिला मार्केट से, आपके जितने मिलता है गाइस तो आप ले सकते हैं। और इसे मैंने कनेक्शन कर दिया गाइस, देख सकते हैं कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, कोई सी वायर कहीं पे भी लगा दिया गाइस। और देख सकते हैं इसमें मैं गाइस आपको प्लग लगा दूंगा गाइस, देख सकते हैं मैंने प्लग, देख सकते हैं गाइस मैंने प्लग लाया, इसे मैं इसमें लगा देता हूँ। और उसके बाद गाइस मैं इसका सीधा इस वक्त में कनेक्शन कर दूंगा गाइस, इसमें कर दूंगा गाइस कनेक्शन। तो कनेक्शन ईजी है गाइस, कोई इसमें झंझट नहीं है गाइस, इससे सीधा मैं अंडरग्राउंड वायरिंग करूंगा। तो गाइस इसके इस तरह से इसके अंदर से घुसा के मैं सारे पाइप के अंदर से सीधा इसके अंदर से निकाल के गाइस यहाँ से वायर लास्ट में गाइस इस जगह से मैं वायर निकाल दूंगा। इधर मैंने एक होल किया है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक होल किया है, इस जगह से वायर निकाल देंगे गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस वायर मैं निकाल दूंगा। तो
चलिए गाइस वायर निकाला था, ये फट गया था, मैं इसमें चिपका दूंगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वायर कनेक्शन कर दूंगा गाइस, उसके बाद मैं इसे डायरेक्ट इसके अंदर मैं इस तरह से लगा के इसके अंदर इसे पूरा कनेक्शन करके आपको मैं दिखाता हूँ गाइस, पूरा एकदम अच्छी तरह से मैं कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये मैंने चिपका दिया अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं अंदर गाइस, ये बॉल भी मैंने लगा दिया है गाइस, और इसमें मैंने ये एल्युमिनियम पेपर चिपका दिया है गाइस, ये जो फूड खाना वगैरह जिसमें आप लोग रैप करके भेज देते हैं वही वाला है गाइस। तो इसे भी मैंने काट के सेम उस वही प्रोसेस था गाइस, इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया है, बॉल भी मैंने इसमें चिपका दिया है गाइस, और वायर मैंने सारे अंदर से ही लगाए गाइस। तो देख सकते हैं इसके वायर में कम गाइस, मैं इसके वायर 4 मीटर वायर मार्केट से लाया था गाइस, तो ये अच्छे लंबा वायर है गाइस, तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है, डायरेक्ट लाइन से चल जाता है गाइस। तो ये बॉल मैंने इसमें लगाया था, ये जो बल्ब वगैरह लगाते हैं गाइस एलईडी, जो आप लोग घर में 10 वाट वाला वही बल्ब का एलईडी का ये अंदर का किट रहता है गाइस, यही लगा रहता है सेम टू सेम, तो वही मैंने इसमें लगाया है। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं गाइस। तो टेस्टिंग करने से पहले गाइस देख सकते हैं ये वाला स्पेस खाली है, तो देख सकते हैं गाइस मैंने ये एक स्टैंड बनाया है, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर दिया गया, तो जिसने भी नहीं देखा है मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। और इसे गाइस मैं इस जगह यहाँ चिपकाऊंगा, इस गोंद से मैं इसे यहाँ चिपकाने वाला हूँ गाइस, तो आप अपने हिसाब से गाइस इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ चिपकाना है तो गाइस मैं यहाँ पे इस तरह से चिपकाऊंगा, इसमें आप फोन अच्छी तरह से रख सकते हैं गाइस, मैं आपको फोन रख के भी दिखाऊंगा गाइस, इसका टेस्टिंग में मैं करके दिखाऊंगा गाइस, इसे मैं चिपका लेता हूँ पहले। देखते गाइस मैंने इसमें स्टैंड चिपका दिया, चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं गाइस। तो मैं बोर्ड प्लग को मैं गाइस बोर्ड में लगाता हूँ, तो गाइस अब मैं लाइट ऑन करता हूँ, देख सकते हैं गाइस मैंने लाइट ऑन कर दिया है, देख सकते हैं गाइस कितनी सुंदर लाइटनिंग करी गाइस, मैं भी अपना स्टूडियो का लाइट ऑफ करता हूँ गाइस, तो मैं लाइट ऑफ कर दिया, देख सकते हैं ये पूरी तरह से लाइट ऑफ कर देगा, जहाँ आप अच्छी तरह देख सकते गाइस कितनी सुंदर रोशनी कर रही है गाइस, अगर आप इस तरह से पढ़ सकते गाइस, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस तरह से मोबाइल रख के भी इसे पढ़ाई कर सकते गाइस, या आपको लिखना हो मोबाइल से गाइस यहाँ से देख देख के आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते गाइस, इस तरह से जैसे आप लिख सकते हैं गाइस। तो देख सकते गाइस कैसा लगा, तो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे गाइस। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो बाय, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा गाइस, तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।